सब्सक्राइब करें बी विस्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं बी विस्टर, खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। पहली खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई वैकेंसीज निकली है HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। जी हाँ, ये कंपनी है जिसमें 20 वैकेंसियां निकली हैं। आपको मैं इसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले जो डेजिग्नेशन है उसमें प्रोजेक्ट डिप्टी इंजीनियर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर ऑफिसर की सीट्स जो है अभी खाली हैं, जिसमें 20 सीट्स मैंने आपको बताई हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें इंजीनियरिंग या MBA चाहिए, और जरूरी जो कि मेन विषय जो मेन सब्जेक्ट होगा आपका उसके अंदर, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। और पे स्केल जो होगा, जो भी सैलरी आपको दी जाएगी वो आपको दी जाएगी HMT के नियमों के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जो भी उनके रूल्स होंगे, जो क्राइटेरिया होगा पे स्केल का कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो 30 से 40 के बीच में रखा गया है। साथ ही साथ जब आपका जो एज का क्राइटेरिया जो है नापा जाएगा, तो वो जो होगा उसको बेस रखा जाएगा 1 जून 2020 से। जी हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें जो आपकी डेट्स हैं, जिस दिन ये वैकेंसी आई थी वो थी 17 जून, अब 8 जुलाई तक आप इसको इस एप्लीकेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें आपको, मैं इसमें जो एड्रेस होगा, जिस एड्रेस पर आपको जो ये नोटिफिकेशन आई है और जो फॉर्म आपको फिल करके भेजना होगा, जो कि आपको HMT की वेबसाइट से जो है मिल जाएगा, वो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। DY.GeneralManager CP&HR HMT Machines Tools Limited 59 HMT भवन बैलरी रोड बेंगलोर 560032। ये एड्रेस दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। तो ये है पूरी डिटेल्स। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो HMT की वेबसाइट पर भी आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है फॉर्म नंबर 26AS। आपने जब आप ITR भरते हैं 16A 16B फॉर्म आपने सुना है, ये जो नया फॉर्म जो है वो है 26AS, जो जिसका जो मेन पर्पस है आपको बताने का वो ये है, इसमें TDS और TCS जिसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की जानकारी तो आप देंगे ही, साथ ही साथ आपको जो जानकारी देनी होगी अपनी फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी आप लेन देन करते हैं वो, और जो टैक्स पेमेंट्स करते हैं वो, और साथ ही साथ जो भी कारोबारी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अपनी डिमांड्स और जो रिफंड्स हैं उनकी भी जानकारी इसमें आपको प्रॉपरली देनी होगी, जो कि नई ITR के अंदर शामिल होगी। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है PNB, आप सभी जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक, जिसने एक नई स्कीम जो है निकाली है। इस स्कीम के तहत क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। PNB महिला उद्यमी निधि स्कीम, इस स्कीम के तहत महिला को लोन दिया जाएगा अगर उसे कोई भी कारोबार अपना शुरू करना है। जी हाँ, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, और इस स्कीम के लिए उसे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखनी होगी। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिसके पास हुनर है, जिसके पास अच्छा स्किल सेट है, या जो कोई कुछ अपना करना चाहता है तो वो इस स्कीम के तहत वो महिला कर सकती है, और इस लोन को लेकर अपना जो भी हुनर है वो जो है उसके माध्यम से दूसरों की हेल्प भी कर सकती है। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपको एक जो है जो टिकट आपके पास है वो आपको TT को दिखानी होती है जब वो चेकिंग के लिए आता है, लेकिन अब सिस्टम चेंज होने जा रहा है जिसमें टिकट आपको TT को नहीं दिखानी है, एक मशीन के जरिए आपकी टिकट चेक की जाएगी, और ये भी उस मशीन के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि इस जो कोच है इसके अंदर कितनी सीट्स खाली हैं। तो
तो इसका ये भी फायदा होगा। और ये कहाँ है ये मैं आपको पहले बताता हूं, ये नागपुर मंडल ने जो है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन तैयार की है, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी हाँ, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।